मैं उड़ जाऊंगा राजा नाद में ऊपर ही, मैया गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की, मैया गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की। हम आखिरी गाना गाएंगे, आखिरी गाना सदरी में गाएंगे, 20 नंबर का, 20 नंबर का। एक दिन ऐसा समय आएगा तुझको याना पड़ेगा, उड़ा पुत्र के समान। एक दिन ऐसा समय आएगा तुझको आना पड़ेगा, उड़ा पुत्र के समान। ईश्वर से बिछुड़े कोई मिलकर प्रशंसा की गीत गाए, आप सब कोई भाग लेते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। सबों को हैप्पी साबर ईशु साय। ईश्वर पिता को धन्यवाद है कि हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रखते हुए इस सुंदर सब्बत दिन को देखने का मौका दिया है, और हम उनकी स्तुति आराधना के लिए उनके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। शुरू करने से पहले बाइबल से एक पद पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता 92-92 और 1-4 तक मैं पढ़ूंगी। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना
10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बिना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। और इसी के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ भाग्य राम ज्योत मल्लिक की ओर से, और धन्यवाद देती हूँ मिसेस बिनोनी को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और हिंदी से गाना गाएंगे, 69 नंबर का, हिंदी से 69 खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। यीशु पर भरोसा रखना ही प्रिय, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं इस सब्त के दिन, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रखा है, हर एक रोग बीमारी
दुख तकलीफ से बचाते हुए रखा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी आपकी स्तुति आराधना हो रही है प्रभु, वहाँ पर एक या दो जन भी जमा हुए हैं पिता, आप उनके बीच में उपस्थित रहिए और आज के दिन के आशीष आप दीजिए प्रभु, हमारे बीच में भी होइए और हमें आज दिन भर के आशीष दीजिए। और जो कुछ भी आगे प्रोग्राम है सब हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो लोग दुख तकलीफ में हैं, बीमार में हैं पिता, आप उनकी शुद्धि लीजिए ताकि वो भी चंगे होके आपको धन्यवाद देने सके। प्रार्थना करते हैं आपके भवन तक आने के लिए जो लोग घर से निकले हैं प्रभु, उनके साथ रहिए और वो भी यहाँ सुरक्षित पहुँच के आपकी महिमा कर पाए। और क्या मांगे प्रभु, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी विनती मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन।